क्या चीज? भाई पापा जा रहे हैं पापा अब हम ले जाएंगे अपनी गाड़ी को सर्विस पे, काफ़ी टाइम बाद फाइनली। और जो मैं बता रहा था लाइट का, तो देखो कितनी गंदी हो रही है। जो मैं बता रहा था ना लाइट का, वो देखो दिखाता हूँ। ये लाइट तो चलते चलते बंद हो जाएगी एबीएस की, और ये वाली जो लाइट है ये जब जल्दी है फॉल्ट आ जाता है गाड़ी में तो ये लाइट शुरू हो जाती है। और ऐसा रिकमेंडेड है कि अगर ये लाइट चालू हो जाए मतलब जल्दी से जल्दी दिखा लेनी चाहिए। भाई इसकी किलोमीटर्स देखो कितने हो गए किलोमीटर, ये तो एवरेज चेक करने का है। ये भी एवरेज है, ये एवरेज स्पीड, ये ओडो यही है ना, हाँ ये 11350 11350 किलोमीटर चल रही है भाई, जिसमें इसका सर्विस रिकॉर्ड मेंटेन है। और अब आपको दिखाता हूँ कि लास्ट बार सर्विस कब हुई थी। सर्विस रिकॉर्ड है पहली सर्विस की हुई 1170 पे, फिर हुई 2300 पे, फिर हुई 4000 पे, भाई ये 11000 चल रही है, 11000 पे हुई सर्विस की, तो टाइम हो गया। और ये इसका ये पूरा डूब डाला है, ये भी चेंज करवाना है, ये पता नहीं कितने का डलेगा। ये बहुत गंदा लोग आता है, इससे चिपकाने की कोशिश करी थी लेकिन थोड़े दिन सही रहा, फिर से पड़ेगा। मड गार्डर पूरा लग जाएगा इसमें, पूरा मड गार्डर फेयरिंग जो भी है। और ये इंडिकेटर चेंज करवाने भाई, ये कहाँ लगते हैं मेरे को, देखो जला के दिखाता हूँ। ये थोड़े बेकार से लगते हैं मेरे को, पूरे येल्लो चाहिए मुझे, ये ग्रीन भी पूरा येल्लो, सॉरी ये ब्लू भी पूरा येल्लो चाहिए। ग्रीन लट आती है यहाँ पे, काफ़ी अच्छी लगती है, उससे बढ़िया लोग आ जाता है। और वो भी देखते हैं लगवाते हैं कि नहीं, दिखाएंगे आपको। और भाई ये पता नहीं किसी ने स्क्रैच मार दिया है। और हर 3-4 किलोमीटर पे सर्विस करवा लेनी चाहिए, लेकिन हमने कितने का कर लिया, 6-7 7000 किलोमीटर का गैप कर लिया। सबसे मेन दिक्कत है कि इसको ले जाऊं कैसे वहाँ पे, क्योंकि मैं जहाँ पे जा रहा हूँ थोड़ा घर से दूर है। अब इन दोनों को ले जा नहीं सकता, ये दोनों वहीं पे जाके लगेंगे। पूरा येलो था और ये ब्लू था, ये भी मतलब चेंज करवा। ये जो था ये मैंने लगा दिया है, अभी ये हाथ से करें, कहाँ है हेरा भाई, अभी ये हाथ से टाइट करें काफ़ी मुश्किल से। एक ये रहे 2 वोल्ट और 2 ये रहे भाई, अभी इसको प्लास से टाइट कर रहे हैं क्योंकि अभी मैंने हाथ से ही घुमाए हैं चारों बोल्ट। अगर ये निकल गया ना तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि ये तो बैग में भी नहीं आ पाता ना, ये काफ़ी चौड़ा है। ये तो आ जाता पूरा बैग में, ये तो पूरा बैग में आ जाता, लेकिन ये नहीं आ पाता भाई, ये तो घूम ही नहीं रहा। लग रहा है यही इसकी लिमिट है, इतना ही टाइट होगा। कोई बात नहीं, 3 बोल्ट तो घसी दिए, एक निकल भी जाएगा तो 3 संभाल लेंगे। ये तो ये निकल ही रहा है, और उसका ये भी निकल रहा है, ये देखो पूरा मतलब सिस्टम हिला डाला है इसका। तो भाई रेडी हो चुके हैं और निकलते हैं अभी थोड़ी देर में, 6 बज रहे हैं अभी। जैकेट वगैरह डालते हैं भाई, हवा चल रही है काफ़ी ठंडी। बाकी गाड़ी ये रही अपनी, और फिर आपको मिलते हैं वहीं पर जाके, ठीक है, वहीं पर भी जाओ, ये बाय करने ज़रूर आ जाता है। जाते में बाय करता है, आते में हेलो करता है, मिलता है लेकिन एक ही इसी जगह पे है भाई। जैकेट तो डाल ली, अब निकलते हैं भाई। ये दोनों रुके बोल ले, वो देख R15 इतनी फेमस है कही। अब फाइनली निकलते हैं अपनी गाड़ी की सर्विस करवाने। आता मैं फ़ोन, और तुमको क्या, अच्छा फिर तुमको क्या लगा, क्या लगा, अच्छा बाइक पे लगा हुआ होता, क्या चीज़, अच्छा राइडर लग रहा हूँ अच्छा ठीक है। लोगों की गाड़ियों पे क्या लिखा रहता है, अच्छा उनका नाम लिखा रहता है, क्या चीज़, नहीं करता ब्लॉगिंग है भाई, तुम्हारी वीडियो क्यों बनाऊंगा मैं, हाँ सही में नहीं कर रहा ब्लॉग है, नहीं है भाई, बच्चे बोल रहे हैं ब्लॉगिंग करते हो आप भी,
लॉग आईफोन 11 है ना? नहीं आईफोन 13 भाई इनकी एज पे तो मुझे ये भी नहीं पता था कि आईफोन किसे कहते हैं। जनरेशन गैप, थोड़ी देर ये लाइट थोड़ी देर पहले आ जाती तो थोड़ा अच्छा शूट हो जाता, पर चलो कोई नहीं। भाई इस हेलमेट में एक दिक्कत है, अगर मैं ये शीशा पूरा बंद कर रहा हूँ ना मेरे को मतलब सही से नहीं दिख रहा, और अगर खोल रहा हूँ तो फिर ठंडी हवा आ रही है। ये देखो अगर पूरा खोल रहा हूँ तो भाई ठंडी हवा चल रही है और ठंड लग रही है फिर मेरे को। भाई पापा जा रहे हैं पापा पूरे अब जूम नहीं होता क्या इसमें? भाई पापा जा रहे थे, सही उन्होंने नहीं देखा वरना घर पर ले आते कि वापस चल कॉल करवाइयो। टाइम देखो 6:17 तो यहीं पे हो गए। The next day. तो भाई अभी तो पहुंच चुके यहाँ पे, अभी अभी आया है, जस्ट सुबह का टाइम हो रहा है और देखो कितना सारा सामान रखा है। कमला नगर की साइड है भाई, ये कुछ सारे इंडिकेटर है इसके, इस टाइप का हमारी गाड़ी में लग रहा है। भाई अभी अपनी गाड़ी खड़ी है और अभी जो मैंने आपको गाड़ी दिखाई ना एमटी, अभी उसके अंदर मतलब थोड़ा काम हो रहा है, ये अभी जाएंगे। तो ये उनकी गाड़ी है जो मेरे साथ आए हैं, मतलब जो मेरे को यहाँ पे लेके आए हैं, उन भैया की गाड़ी है और ये हमारी गाड़ी है। मतलब मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी क्योंकि मैंने बताया था ना ठंडी हवा चल रही है, उसके कारण मेरी तबीयत ख़राब हो गई। और भाई यहाँ पर सारे स्पेयर पार्ट्स वगैरह सब चीज़ें अवेलेबल, देखो भाई ये चीज़ें मिल रहे हैं, लफ्स जो भी मतलब जिनका नाम भी नहीं पता मुझे वो भी चीज़ें अवेलेबल हैं। इंडिकेटर, मास्क, ये भाई कैसा मास्क है, आगे उनकी गाड़ी का तो काम हो गया, चैन वैन में थोड़ा काम था। एयर फिल्टर ऐसा होना चाहिए और ऐसा निकला इसके अंदर। काला पानी भाई, ये तो काली गाड़ी काला पानी निकाल रही है। टंकी का काम तो हो गया है, टंकी का हो गया। पीछे का इंडिकेटर आई है, इतनी सारी चॉइस का कन्फ्यूज हो गया मैं। भाई दवाई लेके आया हूँ,
काफ़ी तेज़ दर्द हो रहा है, और मतलब काफ़ी तेज़ी हो रहा है। ओ भाई ये केले मिल गए, ये सही मिल गए। तो भाई केलों ने जान बचा ली, पानी की बोतल ले ली, अब उसको मिला के पीते हैं उसमें डाल के। भाई देखो पूरा हाईवे है, पूरा हाईवे है। व्लॉग बनाना भारी पड़ेगा भाई, याद रहेगा ये व्लॉग। अभी ये भी चेंज होंगे। थोड़ी बड़ी है, छोटी वाली सही लग रही है। छोटी वाली? हाँ ये तो बाकी फ्रेम तो है ही, यहाँ यहाँ तो खाली खाली है। गाड़ी में तो पूरा ऑलमोस्ट काम हो गया, निकालते हैं भैया से ज़बरदस्ती की जान पहचान, जिससे थोड़े पैसे कम कर लें। चलो चलते हैं भाई, अपनी गाड़ी का नाम भी बैठ रहे हैं और किचन को शूट कर रहा है इस पर, देखते हैं ऐसे लिखते हैं कि और भाई दवाई तो खाली, लेकिन इतना कुछ असर पड़ा नहीं। जिन भैया को हम 3 घंटे से इंतजार कर रहे थे वो अब आए हैं। चलो आए तो सही, जाते हैं घर पे जल्दी। पंगा हो चुका अभी, अभी वो जो वो लेने गए थे ना, वो जो साइड वाला वो लेने गए थे टेल, तो उसको लेके तो आ गए, लेकिन काफ़ी देर बाद लेके आए, लेकिन वो कलर अलग आ गया उसका। अब वो कलर मिसमैच हो रहे हैं, ये देखो साइड में इमेज आ रही होगी, उसको देखना, कलर मिसमैच हो रहे हैं। वो ग्रे कलर था, ये ब्लैक है। अब उसको वापस लेने गए, फिर वापस लेके अभी थोड़ी आ गया। ये कर रहा है ना कलर मैच पूरा, देखते ही पता लग रहा था वो ग्रे वाले का है। अब देखो भाई पूरा मैच हो रहा है। हाँ ये तो वॉश हो गया, आ चुकी पॉलिश सब हो गई, चमक गई। अब इसका है बिल आपको दिखाता हूँ। बिल देख लो भाई, देख लेना जो भी है, का पूरा बिल बैठा है इसका। भाई गाड़ी की सर्विस तो करवा ली, अभी हम हल्दीराम आए हैं। हल्दीराम क्यों आए, क्योंकि कोल्ड कॉफ़ी पीने का मन कर रहा था और बिल्कुल बगल में था, तो मैंने सोचा चलो चलते हैं हल्दीराम। थोड़ा बुखार तो अब सही हो गया, अभी तो भाई कॉफ़ी लेने जा रहा हूँ, कॉफ़ी लेने चलते हैं, देखते हैं फिर। कॉफ़ी का वो तो कटा लिया, इसका भी अलग ही ढोंग है, पता नहीं इधर दुकान है उधर पैसे कटाओ, कौन देगा आप कोल्ड कॉफ़ी। ये लो भैया काउंटर नंबर 7 हो रहा भाई, काउंटर नंबर 7 पे जाना था। ये लो चार्ट। और इसमें मैं बता देता हूँ क्या क्या लगवाया है, वैसे तो बिल देख ही लिया होगा आपने। एक तो ये लगा था ये नया, और ये इंडिकेटर 2, और एक ये विंगलेट, और एक पीछे वाला इंडिकेटर। ये जो है ना ये दोनों लगे थे, और ये मैंने लगवा लिया था वापस, री इंस्टॉल करवा लिया था, स्टॉक में तो आता है, मैंने हटा दिया था।
तो भाई ऐसा कुछ अपना मॉडिफिकेशन रहा अराउंड 5 का, जो भी आपने देखा हमने आपको दिखाया छोटा मोटा जो भी था, अभी आगे भी और आएंगे थोड़े बहुत वो भी आपको दिखाएंगे। और अगर आपको सिनेमैटिक अच्छे लगे हों तो लाइक कर देना। और भाई काली गाड़ी का तो मतलब बहुत जल्दी गंदी हो जाती है जिनको जिनके पास काली गाड़ी है ना भाई, बड़ा मुश्किल है हर चलो फिर अपने ब्लॉग को यहीं तक रखते हैं। और ये थी हमारी कुछ मॉडिफिकेशन छोटी मोटी। और अगर आपको अच्छा लगा हो तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और अगर कमेंट में कुछ चीज़ पूछनी हो तो पूछ लेना कमेंट करके, और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, और बाकी लाइक कर देना अगर करी देना लाइक। क्या जा रहा है।